प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक शुभकामना, आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मेरी स्वस्थ एक प्रार्थना है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस सदा प्यार स्नेह के साथ आप लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। दोस्तों, आप लोग इसी तरह से मेरे प्रोग्राम को देखते रहें, खुद आप कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे। मेरा प्रयास रहता है कि कुंडली के भाव, लग्न, ग्रहों की युक्ति, राशि का ज्ञान आपको प्राप्त कराऊं। आज बहुत अच्छा ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रहा हूँ। मंगल ग्रह कुंडली के प्रत्येक भावों में आपके जीवन पर क्या प्रभाव देता है, क्या लाभ देता है, क्या हानि देता है सुनिए। जिसके कुंडली में लग्न में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, मेहनती होते हैं, उदार होते हैं, लगनशील होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, ऐसे लोग उदार होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके कुंडली में चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, क्रोधी होते हैं, नशेबाज होते हैं, चैत्रहीन होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में मंगल बैठा हो, ऐसे लोग प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग विवादों में रहते हैं, केस मुकदमा लड़ते हैं, जेल जाने की संभावना बनती है। जिसके कुंडली में सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग का दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं होता है, ऐसे लोग क्रोधी होते हैं, सोच गंदी होती है, संकित विचार के होते हैं। जिसके कुंडली में आठवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग गुप्त विद्या के ज्ञाता होते हैं, ऐसे लोग खिलाड़ी होते हैं, कलाकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं। जिसके कुंडली में नौवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग IAS बनते हैं, IPS बनते हैं, न्यायाधीश बनते हैं, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं। जिसके कुंडली में दसवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग स्वतंत्र विचार के होते हैं, ऐसे लोग राजनीति में भी सफलता पाते हैं, व्यापार में भी सफलता पाते हैं, कई उद्योग के मालिक होते हैं। जिसके कुंडली में ग्रहमय भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग अकस्मातिक धन पाते हैं, गुप्त धन पाते हैं, ऐसे लोग कभी इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है, कभी इज्जत प्रतिष्ठा बर्बाद नहीं होती है। जिसके कुंडली में बारहवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, ऐसे लोग धार्मिक विचार के होते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, धर्म के तरफ रुझान होता है, ऐसे लोग गरीबों की सहायता करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। ये बहुत छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मेरे प्रत्येक प्रोग्राम में मेरा फ़ोन नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। कोई मित्रगण अपनी कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे फ़ोन पर संपर्क कर लीजिए, मेरे नियम को जान जाइए, नियम का पालन करेंगे तो मैं विवेचन कर दूंगा। मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है। इतना कहते हुए प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।